तो आइए शुरुआत करते हैं अब आंकड़े हमारे फैसला आपकी की बात करते हैं। खास में सही क्योंकि केंद्र में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही नरेंद्र मोदी एक्शन में आ गए। देश हित में धड़ाधड़ फैसले होने लगे हैं लेकिन अब विपक्ष सरकार के अल्पमत होने में दावा करने की बात कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को लेकर एक बड़ा बयान दिया। खड़गे का दावा है कि सरकार अल्पमत में है और एनडीए सरकार कभी भी गिर सकती है। खड़गे के इस बयान पर घमासान छिड़ गया है लेकिन बीजेपी और उसके सहयोगियों ने खड़गे के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। बीजेपी ने दोटू कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बीजेपी के सहयोगियों ने कांग्रेस को खुद के गिरेबा में झांकने की नसीहत डाली। हालांकि इन सबके बीच सवाल ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के दावे की वजह क्या है, खड़गे को क्यों लगता है कि सरकार नहीं चल पाएगी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, जनता की राय जानने की कोशिश करेंगे, वो आपको भी बताएंगे लेकिन उसके पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ के साथ सरकार बन गई, तीसरी बार लगातार नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाल ली। गांव, गरीब, किसान और नौजवानों के लिए फैसले भी शुरू हो गए लेकिन सरकार बनने के कुछ ही दिन बाद सियासी गलियारे की तपिश तब बढ़ गई जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार को लेकर बड़ा बयान सामने आया। एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है, मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। खड़गे के अल्पमत वाले बयान से सियासी तूफान उठ गया। सवाल खड़े होने लगे कि क्या खड़गे कोई खेल करने वाले हैं? क्या एनडीए की गठबंधन सरकार को गिराने की साजिश शुरू हो गई है? क्या गठबंधन में सेंधमारी की कोशिश हो रही है? इन सवालों के बीच बीजेपी और उसके सहयोगियों ने कांग्रेस अध्यक्ष को करारा जवाब दिया। मीडिया में रहने के लिए कुछ न कुछ तो मसाला देना पड़ता है, तो मसाला दे रहे हैं, वो अपने न्यूज चलवा रहे हैं कि कम से कम हम मीडिया में बने रहें, क्योंकि उनको तो जनता स्वीकार किया नहीं, इसलिए उन्होंने जो भी बयान दिया है वो नकारात्मक बयान है। हम तो यही कहेंगे कि बाय मिस्टेक उन लोगों को कुछ बल मिल गया है, गलत सलत प्रचार करके, भ्रामक प्रचार करके, झूठी बात कह करके यहाँ की जनता थोड़ा भ्रम में आ गई इसलिए, और नहीं तो वो 100 के नीचे का कि 50 के नीचे वो लोग रहते हैं। तो यूपी की सरकार अगर 10 साल चलती है तो मोदी जी की सरकार, एनडीए की सरकार क्या क्यों नहीं चलेगी? तो मुझे लगता है कि बार बार ये सरकार नहीं मतलब चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी जी के पास मैंडेट नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? एनडीए के पास क्लियर मेजोरिटी है, साफ है, बीजेपी के सहयोगी उसके साथ हैं, नंबर गेम एनडीए के पक्ष में है, सत्ता का गणित मोदी के लिए फिट है लेकिन इसके बावजूद विपक्ष दावा कर रहा है कि सरकार गिर जाएगी, ज्यादा दिन नहीं चलेगी। तो आखिर इन दावों का आधार क्या है, ये बड़ा सवाल है। 240 पे रुक गए हैं और आज मेरी बात नोट कर लेना, एक सरकार एनडीए की चली थी 13 दिन, दूसरी चली थी 13 महीने, उससे पहले मोदी जी की विदाई होनी है। मोदी जी बैसाखी सरकार लेके चल रहे हैं, विदाई होना तय, अभी से फूफा लोग नाराज होना शुरू हो गए। ये सरकार जनता की इच्छा से नहीं बनी क्योंकि जनता की इच्छा से दूसरे दल आगे बढ़ के आए और ये तो ऊपर से नीचे आए, इनके मतों का प्रतिशत कम हुआ है, सीटें कम हुई हैं, तो ये जनता की पहली पसंद नहीं है। सरकार में बहुमत नहीं हो तो बहुत लोगों को खुश कर करके सरकार बनानी होती है। मुझे लगता है ये खुश करने की जो कदम चल रहे हैं, खुश करने के लिए जो फैसले हो रहे हैं, और सब गिनती का सवाल होता है। सरकारें जब खुश करके बनाई जाती हैं
तो कोई और खुश कर देगा तो उधर चले जाते हैं लोग। अल्पमत और बहुमत का गणित बहुत सीधा सा है और सामान्य जोड़ घटाव करने वाले भी एनडीए के फिलहाल अल्पमत में होने का दावा नहीं कर सकते। लेकिन सियासत ही क्या जो सीधे गणित के फॉर्मूले से तय हो जाए, उसका अपना गणित है, उसके अपने प्लस माइनस वाले फॉर्मूले। लेकिन फिलहाल खड़गे के जुबानी फॉर्मूले संसद के गलियारे में किसी नतीजे पर पहुंचते नजर नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और इसी मुद्दे से जुड़े हुए कई सारे सवाल लेकर हम जनता के बीच गए। लोगों से हमने वो सवाल भी पूछे और लोगों ने उस पर अपनी राय दी। वो राय इस वक्त आपके सामने है। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा, वो पहला सवाल था कि क्या आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी की मौजूदा सरकार बहुमत की सरकार है। 73% लोग यानी कि 73% लोगों ने कहा हाँ, बिल्कुल बहुमत की सरकार है, और 27% लोग ये कह रहे थे कि बहुमत की सरकार नहीं। चर्चा करेंगे परिमल कुमार नेता जेडीयू, विजय कौशिक नेता कांग्रेस, प्रदीप तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे, और इसके साथ खेमचंद शर्मा हैं नेता बीजेपी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले खेमचंद शर्मा साहब से कहेंगे, शर्मा साहब सरकार तो आपने बना ली, ये बात अलग है कि इतने सांसद आपके नहीं आए कि आपको बहुमत मिल सके, लेकिन जो तमाम गठबंधन के साथी आपके थे, एनडीए के साथी थे, उनके जरूर आपकी सरकार बन गई और अच्छे खासे नंबर हैं, यानी कि 300 के आसपास आपके नंबर हैं। लेकिन बावजूद इसके, अगर इसके बावजूद भी अगर कांग्रेस से इस तरह के बयान आते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तमाम विपक्ष के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह अगर इस तरह की बातों का जिक्र करते कि आपकी सरकार चल नहीं पाएगी, बस कुछ दिनों की है, इसके पीछे का कारण क्या? नमस्कार, जय हिंद। देखिए, इनके लिए अंगूर खट्टे हैं। अभी किस तरीके से आपने देखा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश जी कह रहे थे कि जब खुश करके सरकार बनाई जाती है तो जिनको खुश करते हैं, कोई दूसरा ज्यादा खुश करता है तो उधर चले जाते हैं। अरे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हमारे पास तो 240 तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं, जितनी आपके पूरे गठबंधन की नहीं है, और आप कहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी की जगह पे सरकार बना लोगे या एनडीए की जगह पे आप सरकार बना लोगे, तो आपको कितने लोगों को खुश करना पड़ेगा, क्या क्या देना पड़ेगा? क्या जनता नहीं जानती? क्या वो दल नहीं जानते? क्या वो गठबंधन आप जो कह रहे हो कि जो बन जाएगा और सरकार बना लेगा, उसमें कैसे सरकार चलेगी? आप अपना भी तो आधार बताओ। आधारहीन बात करोगे, लोग हंसेंगे, लोग खिल्ली उड़ाएंगे, लोग देख रहे हैं कि आप किसी भी ताकत में किसी भी तरीके से आप सत्ता से आना चाहते हैं, चाहे उसके लिए आपको किसी भी तरीके से बंदरबांट करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, कितना भी लालच देना पड़े, लेकिन आपके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। हमारे पास 300 से ज्यादा की शक्ति है, और जो 300 से ज्यादा की शक्ति है वो देश हित में काम करना चाहती है, सुशासन देना चाहती है, देश को डेवलप करना चाहती है, समाज का विकास करना चाहती है। और जो वो तो आपने बता ही दिया कि ये शक्ति आपकी क्या कुछ करना चाहती है। विजय कौशिक कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। विजय साहब, ये तो तय है, जैसा कि बात बीजेपी के नेता कर रहे थे कि जितने इनकी खुद की सीटें हैं, बीजेपी के पास जितने सांसद हैं, उतने तो आपके सारे गठबंधन के साथ ही मिला करें, फिर आप किस उम्मीद में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि साहब ये सरकार नहीं चल पाएगी, ये सरकार अल्पमत में है? क्योंकि सरकार के मंत्री ये कहते हैं कि आपको मीडिया में बने रहना है, और मीडिया में बने रहने के लिए आप इस तरह की बयानबाजी कर रहे हो। देखिए, पहली बात तो ये कि मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, और कुछ तो लोग नहीं, ये ख्याल किसका अच्छा है, बीजेपी वालों का अच्छा है या आपका अच्छा है? देखिए, बीजेपी वालों का ख्याल अच्छा है कि जो ये सोच रहे हैं कि जो उनकी विचारधारा के खिलाफ जिन दलों के साथ उन्होंने गठबंधन किया है वो चल पाएगा, क्योंकि जातिगत जनगणना का क्या होगा, मुस्लिम आरक्षण का चंद्रबाबू नायडू का वादा के क्या होगा, ये अभी बहुत से सवालों के जवाब मोदी सरकार को देने पड़ेंगे। जहां तक हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात है, तो उन्हें मालूम है कि बीजेपी के पाप का घड़ा भर चुका है और कभी भी फूट सकता है। बीजेपी के कई जो घटक दल हैं इनके गठबंधन के, वो खड़गे जी के संपर्क में है, और निश्चित तौर पर उन सब की जो अपेक्षाएं हैं इस देश से जुड़ी हुई, उन पर मोदी जी खरा नहीं उतर पा रहे हैं। महंगाई बेलगाम सरपट दौड़ती जा रही है, बेरोजगारी सरपट दौड़ती चली जा रही है, नीच जैसे एजुकेशन के क्षेत्र में घोटाले ये मोदी सरकार की देन है,
आपने जिन 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 मुद्दों को गिनाया, स्वाभाविक तौर पर अगर आपकी संख्या यहां तक पहुंची है तो उन मुद्दों का असर होगा, ये बीजेपी भी महसूस करने लगी है, क्योंकि अब तक आप उठा रहे थे उस तरीके से उसका असर नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जनता भी मानने लगी है कि जो मुद्दे विपक्ष उठा रहा है उसमें दम है। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा और वो सवाल था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए की गठबंधन सरकार 5 साल तक चला पाएंगे। 75% यानी कि 75% लोगों ने कहा कि बिल्कुल चला पाएंगे, 22% लोगों ने कहा नहीं चला पाएंगे और 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। जेडीयू के हमारे सहयोगी मौजूद हैं, जेडीयू के नेता हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उनसे हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जनाब, अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था कुछ मिनट पहले और इस बीच एक खबर आ गई है, मैं वो खबर ले लेता हूँ, उसके बाद मैं अपने सहयोगी के पास चलूँगा। खबर यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे मोदी सरकार के अल्पमत में होने को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इससे इतर प्रधानमंत्री मोदी दुनिया में भारत का मान बढ़ा रहे हैं। इटली में G7 की बैठक में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के कई ताकतवर देशों के साथ मुलाकात कर रहे हैं और इस दौरान जो तस्वीरें आई हैं वो मजबूत भारत की कहानी भी बयान करती है, लेकिन मोदी विरोधी सरकार को लेकर बयानबाजी करने में जुटे हुए और सरकार के अल्पमत होने के वाले खड़गे के दावे को लेकर भी जनता सोचती है। इसे लेकर इंडिया न्यूज़ के लोगों की हमने राय भी जानी और वो तस्वीर भी देखी। वो तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मेरे पीछे स्क्रीन बनी हुई है आप देख सकते हैं, और वो स्क्रीन ये है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देखिए कि कई नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, G7 की बैठक हो रही थी, उस G7 की बैठक में कई राष्ट्राध्यक्ष भी मौजूद थे। ये राष्ट्राध्यक्ष इस बात को लेकर मिले हैं कि कैसे G7 के देश एक साथ मिलें और सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और आपस में एक दूसरे के संबंध बेहतर हो सकें, उस पर भी चर्चा हुई है। इसमें ट्रूडो भी मौजूद थे, इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे, इसमें बाइडेन भी मौजूद, तमाम लोग इसमें मौजूद थे और चर्चा हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति भी इसमें मौजूद थे और उन्होंने भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। चूंकि लंबे समय से यहाँ युद्ध चल रहा है और युद्ध चलने की वजह से एक संकेत प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी दिया और दूसरा संकेत प्रधानमंत्री मोदी पहले भी ये दे रहे थे कि देखिए, युद्ध से कुछ नहीं होगा, अगर आपको समस्या को सुलझाना है तो इस समस्या को सुलझाने के लिए आपको कूटनीति तरीके से और बातचीत से भी हल निकालना पड़ेगा। आप जो तस्वीर देख रहे थे वो तस्वीर मेलोनी की, इटली की प्रधानमंत्री की, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हिंदी परंपरा के अनुसार यानी कि हाथ जोड़कर अभिवादन किया, और वो तस्वीर भी आपके सामने। एक संकेत है, ये संकेत है, छोटा है लेकिन इसका संदेश भी बड़ा जाता है जो इस वक्त आपकी तस्वीर में। जेडीयू नेता परिमल कुमार मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनके पास चलूंगा और उनसे ये पूछूंगा। परिमल साहब, जम्मू कश्मीर में आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, केंद्र सरकार में आप गठबंधन में, और अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि आप बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे या फिर अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर की आपकी इकाई के अध्यक्ष कहते हैं कि हम 40 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और 40 सीटें बीजेपी तो आपको देगी नहीं, क्योंकि बीजेपी कहती है कि हम सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ये अगर कांग्रेस को कहने का मौका मिल रहा है तो शायद इन्हीं तस्वीरों के जरिए, इन्हीं बयानों के जरिए कांग्रेस कहती है कि ये गठबंधन चलने नहीं वाला। आप क्या मानते हैं? देखिए, समस्या क्या है कि इंडी गठबंधन या कांग्रेस नेगेटिव पॉलिटिक्स की शिकार है, राइट? इनका जो ऑब्जेक्टिव है, देखिए जितने भी इंडिया गठबंधन में शामिल लोग हैं, अधिकांश व्यक्ति चाहे तो परिवारवाद के पोषक हैं या भ्रष्टाचारी हैं। अभी देखिए, मैं एग्जांपल देता हूं, अभी आपने चर्चा किया था कि G7 में हमारे आदरणीय नेता जो प्रधानमंत्री जी है उन्होंने राष्ट्र का सम्मान बढ़ाया। यदि इंडिया गठबंधन की सरकार होती और ये इसके भ्रष्टाचारी नेता जेल में होते तो ये कितने जिद्दी और निर्णय है, जेल से ही अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को ये एडजस्ट करने का प्रयास करते, तो इनकी भावना बहुत गलत है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो एनडीए गठबंधन जो बना है और जिसकी सरकार बनी है वो डेवलपमेंटल एजेंडे पर काम कर रही है, और फर्स्ट डे ही प्रधानमंत्री ने कहा ज्ञान को आधार बनाकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी फॉर गरीब, यू फॉर यूथ, वाई फॉर यूथ, राइट, ए फॉर अन्नदाता एंड एल फॉर नारी शक्ति। तो आप समझिए, ये 4 जो कंपोनेंट है ये तो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार का ये सुशासन का USP रहा है,
ये तो भ्रम फैलाते हैं, इनको समझ बूझ नहीं है। मैं लेकिन परिमल साहब, जब आरजेडी के साथ नीतीश कुमार होते हैं तो बीजेपी सुशासन की हवा निकालती दिखती है, उसके बयान भी कुछ इस तरीके से हो जाते हैं, और उसके बाद जब उसके बाद नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो फिर सुशासन का राग अलापने लगते हैं। नहीं, प्रशासन का अलाप नहीं। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि पूरे चुनावी यात्रा के दौरान राहुल गांधी, जो तथाकथित पप्पू के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एक प्रति लोगों को दिखलाते रहे समय पर। मैं बतलाता हूँ, इन्होंने भ्रम फैलाया कि यदि 400 पार होगा तो संविधान बदल जाएगा, संविधान में संशोधन होगा। मैं आपको बतला दूं, कांग्रेस के प्रवक्ता बतला दें कि संविधान के किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है कि 400 संख्या होने पर विपक्ष ने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की है तो लोगों ने मान लिया ना। आप जो नैरेटिव बना रहे थे वो लोगों ने नहीं माना ना। कन्विंसिंग पावर किसकी ज्यादा रही? विपक्ष की रही। परिमल साहब, आप मानते, आप भी तो नैरेटिव बनाते रहे ना, आप भी तो नैरेटिव बनाते रहे, आपके नैरेटिव को नहीं माना। और अगर विपक्ष की बातों को मान लिया तो फिर आप नैरेटिव बनाने की बात कर रहे हैं, भ्रम फैलाने की बात कर रहे हैं। सर्वे का एक और सवाल ले लेते हैं। सर्वे का एक और सवाल है कि क्या इंडी गठबंधन जोड़ तोड़ के जरिए मौजूदा लोकसभा में कभी बहुमत का आंकड़ा जुटा पाएगा? 45% लोगों ने कहा हाँ जुटा सकता है, 53% लोगों ने कहा नहीं जुटा सकता, और 2% लोग ऐसे थे जो इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। वरिष्ठ पत्रकार तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास हम चलेंगे। प्रदीप, एक बात मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूं कि विपक्षी गठबंधन लगातार इस तरीके के बयान तो दे रहा है कि मोदी सरकार नहीं चलेगी, अल्पमत की सरकार है, आप देखिए बहुत जल्द ये सरकार गिर जाएगी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा अभी उसके पास नहीं है। अगर वो ये बयान दे रहा है तो क्या जेडीयू और टीडीपी के भरोसे दे रहा है? अगर वो ये बयान दे रहा है तो क्या उसके पास कुछ नंबर गेम है? क्योंकि वर्तमान में जो नंबर है, अभी जो नंबर है, उन नंबरों के कारण तो जिस बात का जिक्र विजय कौशिक कर रहे थे कि मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। मनोज जी, राजनीति को परफेक्ट रूप से आप समझते होंगे, 240 बीजेपी और प्लस एनडीए, तो मुझे लगता है एनडीए के तो पहले से ही बहुमत है। जो इनका गठबंधन है वो पूर्णतः बहुमत में है, और ये गठबंधन चुनाव के पहले का, चुनाव के बाद के आए हुए लोग इसमें नहीं है। दूसरी बात यह है कि बहुमत अगर इनको नहीं मिलेगा तो कांग्रेस को भी नहीं मिल सकता। कारण यह है कि उनके पास भी बहुमत के नंबर तो है नहीं। लेकिन आप जो जेडीए और इसकी बात, एलायंस की बात कर रहे हैं, तो नीतीश जी की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि नीतीश जी परिपक्व, आप देखिए उनकी भाषण देखिए, जब उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे और बातचीत किए तो उनका जो भाषण था वो दिल से निकल गया है। तो मुझे लगता है कि इस बार वो चीटिंग और इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं आएगी एनडीए में। थोड़ी बहुत डिमांड हो सकती है कुछ चीजों को लेकर, सकते मंत्रिमंडल को लेकर लोकसभा अध्यक्ष को लेकर कुछ असहमति हो सकती है। आपके पिछले की अपेक्षाओं बीजेपी इस बार बहुत परक रूप से काम कर रही है और सारे लोगों को जोड़कर चलने का प्रयास है इनका, चाहे वो निर्दलीय जो लोग आए हैं उनसे भी प्रयास है, भी प्रयास रहते हैं कि वो भी हमारे साथ रहे, और प्लस इनके साथ एनडीए के जो सहयोगी हैं उनको में लगी हुई है। और आप देखें तो दो पंचवर्षीय जिस तरह से बीजेपी की सरकार चली है, मुझे लगता है कि सरकार आने में पूर्णतः परिपक्व है। असल में नीतीश कुमार और टीडीपी को लोग बहुत गौर से देख रहे हैं, क्योंकि अभी जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसमें जो विभागों का बंटवारा हुआ, कहीं ना कहीं लोग मानते हैं और ऐसा है भी कि वो जो गठबंधन के साथी हैं वो संतुष्ट नहीं है, चाहे वो रामविलास पार्टी की बात हम करें, एलजेपी की बात करें या फिर दूसरे दलों की बात करें। एक और सवाल है, चूंकि आपने कहा कि अगर एनडीए की सरकार नहीं चल पाई तो सरकार बनाने की स्थिति में फिर इंडिया गठबंधन भी नहीं है क्योंकि उसके पास भी नंबर गेम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्या मध्यावधि चुनाव होगा? इसी से जुड़ा हुआ सवाल लेकर हम जनता के बीच गए, लोगों के बीच गए, और वो सवाल था कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश से देश में मध्यावधि चुनाव की स्थिति बनी तो कसूरवार कौन होगा? 40% कांग्रेस का नाम दिया, 26% लोगों ने बीजेपी का नाम लिया, और 26% लोगों ने क्षेत्रीय पार्टियां यानी कि रीजनल पार्टियों का नाम लिया, और 8% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनके पास चलेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि क्या ऐसी कोई स्थिति है। खेमचंद जी, क्या ऐसी कोई स्थिति है या कांग्रेस की बयानबाजी होती रहेगी, आप अपने सहयोगी दलों को 5 साल तक खुश रहेंगे? अभी तो फिलहाल उनके चेहरे पर शिकन है विभागों को लेकर। देखिए, ये जो इंडी गठबंधन वाले हैं इनको अटेंशन चाहिए, क्योंकि लोगों ने इनको बहुत बड़ा झटका दिया है।
तीसरी बार हमारी सरकार बनी है और तीसरी बार सरकार बनना एक बहुत बड़ी बात है। आपको याद होगा आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरी सरकार चलाई थी, भारतीय जनता पार्टी के तो 200 सीट भी नहीं थी उस समय, जब हम 200 से नीचे रहे। लेकिन वो अटल बिहारी वाजपेयी थे ना, उनके पास प्रमोद महाजन थे, अटल बिहारी वाजपेयी गठबंधन को जानते थे कि कैसे चलाना है, अपने साथियों को खुश रखते थे। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ जो पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव है। अब तो हमारे पास 240 है और हमारे जो प्री पोल अलायंस के पास और 290 से ऊपर थी, 294 के आसपास हमारी सीटें थी और बहुत सारे और भी लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी में विश्वास रखते हैं, इंडिया में विश्वास रखते हैं और वो भी साथ में आ रहे हैं। नहीं, लेकिन ये तो आपने देखा ना, ये तो आपने देखा कि महाराष्ट्र में आपके जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो अजीत पवार की पार्टी, वो खुश नहीं, उन्होंने मंत्री पद लेने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा हमें तो कैबिनेट चाहिए। इसके साथ साथ शिंदे की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि साहब हमारे पास तो 7 सांसद हैं और एक सांसद बिहार में मांझी, आपने उनको कैबिनेट दे दिया और हम 6-7 सांसद लेकर बैठे, हमें आपने राज्य मंत्री दिया है। वो स्वर तो दिखाई दे रहे हैं ना, उन स्वरों का फायदा विजय कौशिक साहब की पार्टी के नेता उठा रहे। एक और सवाल ले लेता हूं, फिर मैं जवाब कौशिक साहब से लूंगा। एक और सवाल है, जो पांचवा सवाल हमने पूछा, वो पांचवा सवाल था कि एनडीए में कभी दरार पड़ी तो सबसे पहले कौन सी पार्टी झटका दे सकती है। 49% लोग यानी कि 49% लोगों ने कहा जेडीयू नीतीश कुमार, 7% लोगों ने कहा टीडीपी, 25% लोगों ने कहा कोई और अन्य दल और 19% लोग इनमें से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते थे। कौशिक साहब, इंतजार आपको है और उम्मीद भी आपको नीतीश कुमार से? देखिए मनोज भाई, हमें हर उस व्यक्ति से उम्मीद है जो इस देश के बारे में बेहतर सोचता है, महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात करना चाहता है। ये वही नीतीश कुमार जी हैं जिनके बारे में अभी कुछ समय पहले जब वो भाजपा से अलग लालू यादव से उन्होंने गठबंधन किया था तो यही भाजपा वाले उन्हें पानी पी पी कर कोसते थे, उनको परशुराम कहा गया भाजपा की तरफ से, मौका परस्त कहा गया, ग्रिड कहा गया और क्या क्या नहीं कहा गया। आज फिर से ये अलायंस में उनके साथ है। निश्चित तौर पर हम ये मानते हैं कि मोदी जी ने जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था का पलटाधार किया है उसे देखते हुए नीतीश कुमार जी अपना फैसला बदलेंगे और वो क्या कौशिक साहब आपको लगता है कि बंटाधार कर दिया? हाँ बिल्कुल कर दिया। कैसे कर दिया बताएं? मैं आपको साबित कर सकता हूँ। देखिए वर्ल्ड बैंक ने भी पिछले दिनों ये कहा कि भारत के अंदर जो बेरोजगारी दर है वो अंग्रेजों के समय को भी क्रॉस कर गई। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि आप दावा कर रहे हैं कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो गई जबकि रोजगार तो घटा है भारत के अंदर, पहली बात। दूसरी बात, आरबीआई गवर्नर ने चिंता व्यक्त की कि जो भारतीय शेयर बाजार है इसमें बबल है तेजी का और इसमें बैंकों का पैसा लगा हुआ है, ये बबल किसी भी समय टूट सकता है और उस परिस्थिति में भारत के बैंक जो है। परिमल साहब, विजय कौशिक सही बोल रहे हैं क्या? और इसमें एक लाइन गलत बातें कर रहे हैं, मिसिंग मोमेंटम फैला रहे हैं। ये इतने पुरानी पार्टी थी और लगातार राहुल गांधी के नेतृत्व में शिकायत निकल गई। देखिए कुछ देर पहले इन्होंने झूठ बोला कि हम लोग जाति आधारित जनगणना की बात करते हैं, जब हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इंडिया गठबंधन की नींव डाली थी और मुंबई में जो इसकी बैठक हुई थी तो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने कहा था कि भाई आप एक प्रस्ताव पारित करें कि जब यह पार्टी या गठबंधन सत्ता में आएगी तो संपूर्ण भारत में जाति आधारित जनगणना कराएगी, लेकिन उसका विरोध राजद ने किया, उसका विरोध कांग्रेस ने किया। तो ये तो झूठ बोलने वाली पार्टी, ये तो भ्रम फैलाने वाली पार्टी है। और ये बोलते हैं कि भाई जब 400 साल होगा तो संविधान बदल जाएगा। अरे संविधान तो कांग्रेस ने बदला, 1951 खासकर छोटी पार्टियों के नेताओं को अब लोग लेते नहीं है उसमें। मनोज जी, जिस तरह से अलायंसें बनी है और छोटे जो दल है वो साथ में आए हैं तो मुझे लगता है कि अब परिवर्तन के दौर में अब लोग अपनी व्यवस्थाओं को ज्यादा ध्यान रखते हैं कि मंत्रिमंडल में हम शामिल हो जाएं। हम तो इनके साथ अब समस्या ये हो गई, आइडियोलॉजी खत्म होती चली जा रही क्षेत्रीय दलों की।
अब वो क्या है, अब ये देखते हैं कि हमारी सहभागिता कहाँ हो जाए, हम सहभागिता के आधार पर अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा अपना चुनाव कर सके। इस वजह से अपने को मजबूत करने के लिए जो क्षेत्रीय दल है वो किसी के साथ संबंध बनाने को तैयार है। अब देखें शिवसेना, फिर शिवसेना लगातार बीजेपी के साथ रही महाराष्ट्र में, लेकिन अचानक इसी बात को लेकर विवाद हुआ और दल छोड़ दिया। इसी तरह आप नीतीश जी को देखें, पहले इंडिया अलायंस बनाने का प्रयास किया उन्होंने, जब वो सक्सेस नहीं हुए और उनकी बात नहीं चली तो फिर एनडीए के, मतलब अब ये कहा जा सकता है, मतलब अब ये कहा जा सकता है कि चाल चरित्र चेहरे की बात नहीं होनी चाहिए राजनीति में, आप सत्ता में किस तरीके से बने रहें उसी के इर्द गिर्द होता है, यानी कि जो नाम है राज करने की नीति इसी का नाम है राजनीति, और उसी के इर्द गिर्द नेता सोचते भी हैं, राजनीतिक पार्टियां सोचती हैं और उसी के अनुसार चलते हैं, यानी कि चाल चरित्र चेहरा अब दूर की